पोहरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गाजीगढ़ में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में साइकिल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासित लोक कल्याण विभाग मंत्री सुरेश राठखेड़ा भी सम्मिलित रहे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ईश्वर की आराधना की और उसके बाद साइकिल वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें उनके द्वारा कई छात्राओं को साइकिल भी बांटी। इन साइकिल को प्राप्त कर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि इन साइकिल के लाभ से अब छात्राओं को स्कूल परिसर तक पहुंचने में असुविधा नहीं होगी। इसी के साथ ही मंत्री द्वारा मीडिया से चर्चा कर बताया गया कि उनके द्वारा आज कई छात्राओं को साइकिल वितरित की गई है और साथ ही अब कुछ समय के बाद छात्राओं के खाते में 4,500 रूपए डाले जाएंगे, जिससे वे अपने मनपसंद की साइकिल भी खरीद सकेंगी। इसी के साथ ही आपको बता दें, उसी स्कूल परिसर का मंत्री द्वारा भूमि पूजन भी किया गया है। गौरतलब है कि लगातार छात्राओं द्वारा ये मांग की जा रही थी कि परिसर में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिससे उन्हें असुविधाओं से गुजरना पड़ रहा है, जिसके बाद 7,32,000 रूपए की राशि से निर्मित बाउंड्री वॉल का आज भूमि पूजन किया गया और मंत्री द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू किया जाएगा। हम गांव से निकलते थे तो नाला पड़ता था, अपनी रोटी निकालते थे और नाले का पानी पीते थे, इसके बाद हम पढ़ाई करते थे। अब आपसे तो कोई बोलता नहीं, हमको जब टीचर पढ़ाते थे तो वो ना ये देखते इसका हाथ टूटेगा या पैर टूटेगा, टीचर ने पकड़ा उठा के घुमा दिया गेंद की तरह नीचे। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका कोई दुष्भावना, कुछ शब्द आज तक हम लोगों को याद है, मारपीट का जमाना चला गया, अब कंप्यूटर का और मोबाइल का युग आ गया। मैं यहां उपस्थित सभी मेरे बेटे और बेटियों से आग्रह करता हूं कि आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, आप छोटे लोग नहीं हो, आप हमारे देश की शान हो, आज हमारी देश की शान हो, प्रदेश की शान हो, हमारी, क्योंकि आप हमारे भविष्य हो। अरे माता पिता का नाम रोशन तो आप लोग करोगे, साथ साथ उस मंच का भी नाम रोशन आप लोग करोगे। समय और भाग्य कोई पता नहीं होता। जब हम छोटे छोटे थे तो मैं कभी ये थोड़ी जानता था कि मैं विधायक बनूंगा और विधायक बन के मंत्री बनूंगा, मैंने कभी नहीं सोचा। तो आपका भी भविष्य गर्द है, हर चीज का राज छपा होता है। आप में से कई लोग SDM बनेंगे, SDOP बनेंगे, IAS IPS की तैयारी करोगे, कोई संजीव की तैयारी करेगा, कोई डॉक्टर की करेगा। और हौसला हमेशा आदमी को अपना बुलंद रखना चाहिए, अपने लाइन को लंबी खींच के चलो, निश्चित हम मंजिल तक पहुंचेंगे, वो रुक नहीं पाएंगे। अब हम मंजिल तक जाने के लिए हौसले भी रखेंगे तो हम मंजिल तक जा भी नहीं पाएंगे। तो मेरा आपसे इतना सा आग्रह है, छुट्टी की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री ने की, यही नहीं रुका मुख्यमंत्री, यही नहीं रुके मुख्यमंत्री ने। आपके जब जब ग्रेजुएशन आप करोगे, जब कॉलेज आप जाओगे, तो भांचा 1,20,000 हो या 5,20,000 हो या 25,00,000 हो, आप माता पिता की तरफ ना देखे, अपने मामा की तरफ देखे, पूरी फीस आपका लोकप्रिय मुख्यमंत्री। अभी अध्यक्ष ने कहा, कभी सोचा बेटा आपने, कभी देखा कभी? सरकार बहुत आई और बहुत चली गई, सरकार आती है सरकार जाती है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री आज तक आपको कभी मिला? योजना आ गई होंगी, योजना चलती रही, लेकिन नगद पे 1 भी रुपया किसी भी मुख्यमंत्री ने हमारे माता पिताओं को नहीं दिया। यदि हमारे माता पिता का किसी ने सम्मान किया, किसान का यदि किसी ने सम्मान किया, व्यापारी का किसी ने सम्मान किया और अधिकारी कर्मचारी का किसी ने ध्यान रखा, तो वो एक ही मुख्यमंत्री है जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री। आज हमारा कितना ध्यान है, 1,000 रुपए माता पिता माता को दिए, 1,000 पिता को भी दिए। आपने भूमि पूजन किया और साइकिल वितरण किया, क्या कहना चाहिए? आज मैंने अपने गाजीगढ़ गांव में पहुंच के अपनी बेटियों को पिछले साल जो साइकिल नहीं मिल पाई थी किन्हीं कारणों पर, वो सभी बेटियों का आज हमने साइकिल वितरण की है। और आगे हम अब साइकिल खरीदेंगे नहीं, हम 4,500 रुपए खाते में डालेंगे और तब
स्वयं दुकान पे जाके बेटा बेटी अपनी मन पसंद साइकिल खरीदेंगे। मैं कई साल से यहाँ आ रहा हूँ, हर साल आता था तो बेटा बेटी मेरे सम्मान करते थे कि हमारे स्कूल की बॉन्डी मंत्री जी नहीं हुआ, इसको कब कराओगे। तो आज मैंने उस बॉन्डी के लिए 7,32,000 रुपये लेके आया, उसका भूमि पूजा कर रहा हूँ, बहुत जल्द उसका काम चालू करा के और बॉन्डी करा के अपने बेटे बेटियों को सुपुर्द कर दूँ।